मैं तुम्हारे पीछे रो रो के थक चुकी हूँ, मैं फालतू तो मैं और नहीं होना चाहती, ठीक है? ऐसा होती है क्या? ऐसी चीजें बोलनी चाहिए क्या? मुझे नहीं पता, मुझे बस आप उसको इतना पता मेरे को। So what's up everybody, it's a boy Chompo and welcome back to our YouTube channel. तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज करने वाले हैं हम वही चीज जो आप लोग चाहते हो। मैं जब भी कोई नई वीडियो पोस्ट करता था, उन वीडियो के कमेंट्स में एक कमेंट जरूर होता था कि एम अथप के साथ प्रैंक करो। तो आज हम वही करने वाले हैं, ठीक है? कौन सा प्रैंक करने है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो तो आपको देख के पता चलेगा। तो जो भी होने वाला है वो बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि एमा थापा के पैरों के नीचे से आज जमीन खिसक जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि एमा ने मेरे को खुद बोला है कि फ्लैट पे आओ, एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है? तो उसी को लेके मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया बहुत खतरनाक सा, ठीक है? आज बहुत क्रेजी होने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं, मैं पहले पहुंच जाता हूं, थोड़ा कैमरा वैमरा सेट करता हूं, फिर वो आती है, फिर उसके साथ लेंगे मजे। चलिए शुरू करते हैं। अभी से ही मन में बहुत ज्यादा खुरापाती आइडिया आ रहे हैं कि ऐसा ऐसा करूंगा। तो सबसे पहले जो काम करना वो है अभय का नंबर करना है चेंज। तो ये है अभय का नंबर, नंबर नहीं दिखाएंगे इसका, इसका करते हैं नाम चेंज। इसको रख देता हूं एक्स। दो दिल और दुनिया 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 भाई, वो दुनिया वाला दुनिया वाला साइन लगाना मत भूलना। ये लग गया दुनिया। तो अभय का नंबर कर दिया हमने इससे, तो इसको कर देते हैं से। तो अभय जाएगा बाहर, मैं इसको किसी बहाने से कह दूंगा कि जाओ तुम उधर जाके बैठ जाओ, मेरे को बात करनी है। और हम अपना कैमरा छुपाएंगे यहाँ पे, इन तकियों के बीच में कहीं पे अपना कैमरा छुपा देंगे ताकि उसको पता ना चले, ठीक है? तो चलो अब उसके आने का थोड़ा वेट करते हैं। एक बार मैं उसको कॉल करके पूछ लेता हूँ। हेलो, कहाँ पहुंची? मैं पहुंचने वाले हूँ, कुछ लाना है भाई? नहीं कुछ लाना तो नहीं है। चिप्स वगैरह कुछ नहीं लाना, तू आजा जल्दी से, एक बात भी करनी है ना मेरे को, इससे जल्दी आ जा। अच्छा ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसे ना मजाक लगेगा स्टार्टिंग में, पक्का मजाक लगेगा इसको, मजाक तो लगेगा, लेकिन जब धीरे धीरे चीजें इसको मैं बताऊंगा ना उस तरीके से, कसम से कह रहा हूँ बहुत ज्यादा खतरनाक, या तो ये रोएगी या मेरे को पेलना शुरू कर देगी। कुछ तो होगा आज। तो चलो वो नीचे ही है, सबसे पहले हम अपना कैमरा छुपाते हैं, ठीक है? मैं अपना फोन अपने पास ही रखूंगा, अभी के फोन से आज शूट करेंगे। तो अब हमारा कैमरा हो चुका है एकदम सेट, ठीक है? अब है तू यहीं बैठे रहिए, और थोड़ी देर में जब मतलब होने लगे ना मामला गरम, तू उठ के उधर चले जाइए, मैं खुद ही बोल दूंगा। हाँ अब बस उसका वेट करते हैं। आ गया, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। गेट खोल क्या? नहीं नहीं लॉक है, मैं खोल खोल जाता हूँ। ऐसी ठंडी ठंडी लग रही है, लड़की की तरह बैठ गया। जिप तो बंद कर लो। बंद है जिप। तुम रेडी नहीं हो गए? मैं तो यही पहनूंगा आज। क्यों, अच्छा नहीं है? ठीक है मेकअप कर दूंगी मैं, लेकिन वहां से करके नहीं आएंगे। इतनी तो बेकार दिखती है। फिर भी मेकअप करेगी और चल कर ले मेरे को एक बात भी करनी थी। तो यार और तुम काले संडे मत ही कर मेकअप। क्यों? क्योंकि फिर फायदा ही नहीं होगा ना मेकअप करने का। क्या मतलब फायदा नहीं होगा, वैसे थोड़ी ना शक्ल होगी। नहीं नहीं बॉय कर ले तू यार। अरे मैं मतलब वीडियो नहीं बना पाऊंगा। क्यों? ऐसे कुछ है प्रॉब्लम। तुमको कब से प्रॉब्लम होने लग गई? है कुछ प्रॉब्लम? उसी के लिए तो मैंने बोला था कि तेरे से मुझको बात करनी है। क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेकअप कर लेती हूँ ना, शक्ल थोड़ी अच्छी नहीं है। अब है जा तू उधर जाके बैठ जा यार। कौन सी प्रॉब्लम हो गई जो तुम बोल नहीं पा रहे हैं?
कौन सी बड़ी प्रॉब्लम अकेले में बात करने बोलो तुझे तुझे याद है कि हम लोगों ने वो जब उस वाली वीडियो पे बताया था कि हमने बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस भी की है तो उसमें जो उसमें जो मेरी एक्स थी जिसके बारे में मैंने बताया था तुझे तो पता ही है उसके बारे में सब पता है बोलो तो वही क्या वही मिले थे क्या मतलब तुझे बुरा लगे अच्छा लगे लेकिन हाँ मिला था ना फिर ये बात बताने को मेरे को हंसी आ रही है अजीब सा लग रहा है क्यों कुछ करा है क्या मतलब बात क्या हुई है वैसा कुछ नहीं हुआ था बस मिले थे तो फिर क्या हुआ और मतलब उस एक बार नहीं मतलब दो तीन बार मिला था मैं अच्छा क्योंकि मतलब याद से आने लग गई थी उसकी साथ रहने अच्छा तो तेरे हाँ। साथ कौन सा तू हाँ वो थी मैं हूँ मैं तुम्हारी दोस्त हूँ वो है तो फिर वही है कि वो बोल रही थी कि अगर उसके साथ रहना है तो तेरे साथ मेरे को वीडियो या मिलना है बंद करना पड़ेगा मैंने उसको कहा कि मिलना नहीं, कैसे नहीं, बंद कर दूंगा वीडियो वगैरह चल बंद हो जाएगा अच्छा मतलब फिर तुमने क्या कहा तुमने फिर से बोलना तुमने क्या कहा उसने मेरे को कहा कि अगर मेरे को उसके साथ रहना है तो मुझे तेरे साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ने पड़ेंगे तो मैंने उसको कहा कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा लेकिन वही कभी कभार मिलना वेलना दोस्ती तो रहनी चाहिए मतलब तुम चाहते हो उसके साथ रहना सच में फिर शक्ल देख के क्या लगता है तुमने तो मेरे को ये चीज भी नहीं बताई थी कि तुम मिले थे वगैरह चलो तुम छोड़ो मिले नहीं मिले तो कोई नहीं मिलने से कोई प्रॉब्लम तो है ना कोई जो अब भाई उसकी फीलिंग्स देख रहे हो तुम तो ये चीज गलत है ना जो चीज सेक्रीफाइस हो चुकी है हो चुकी है मैं बस यही कह रहा हूँ कि मैं उसके साथ बस अब रहना चाहता हूँ तो मेरे साथ क्या हाल मैं देखो यार वही चीज आ गई तो मतलब मेरे से कुछ था ही नहीं मतलब उस एकदम से मतलब वो मिली दो चार दिन तो तुमको फीलिंग्स आने लगी दो चार दिन क्या मैं तुझे भी पता मेरा उसके साथ कितने टाइम से था बस मैं सोच रहा था कि मैं भूल जाऊंगा शायद पर नहीं भूल पाया पागल वाली बातें मत करो तुझे लग रहा है वैसा अब मैं क्या करूं तुम्हें ये बात करनी थी वीडियो खराब करनी है क्या चीजें खराब करनी है क्या चीजें क्या अब कुछ है ही नहीं तो बता क्या करूं क्या नहीं है तेरे साथ वीडियो बनाते बनाते कब तक क्या करूंगा मिलना भी खत्म हो जाएगा मिल लेंगे कभी कभी मिल लेंगे एहसान करोगे मिलकर एहसान वाली क्या बात हो गई यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि तुम मतलब उसने एक दिन में क्या ऐसे बोल दिया कि भाई एक दिन क्या तुझे भी पता है कि कितने टाइम का रिलेशनशिप था मेरा उसके साथ टाइम जरूरी होता है टाइम ही जरूरी होता है क्या सब कुछ क्यों मैंने भी तो तुम्हारे साथ इतना टाइम रही हूँ मेरा कोई हाँ, वो तो नहीं तेरे है तेरे से उतना लगाव नहीं हुआ ना मेरे को पागल पागल हो गया तो ये चीजें जो हमने बनाई है वो चीज भी तो रखनी नहीं चाहिए थी ना तो गलत कर रहा ना तुमने वो सोशल मीडिया में रखकर हाँ तो तुझे भी पता हम क्यों कर रहे थे क्या कर रहे थे अब मेरे को क्या करूँ तेरे से लगाव नहीं हुआ वो फीलिंग नहीं बनी कभी तेरे लिए तू बस एक दोस्त के लिए ठीक है अब मुझे नहीं पता क्या गलत है क्या सही देख मैं बस अब उसके साथ रहना चाहता हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि हम दोनों भी ठीक है दोस्त किस तरह रहेंगे बस वीडियो वगैरह नहीं बनाएंगे
ये चीज तुम्हें पहले बोलनी चाहिए थी ना, जब मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं थी तुम्हारे लिए। जब चीजें बढ़ गई, चीजें सेक्रीफाइस करी, उसके बाद तुम ये चीजें बोल रहे हो, मेरी मेरे तरफ से फीलिंग्स है तो तुम ये चीज तो गलत हुई ना, मेरे को हर्ट हो रहा है। देख मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, बस मैं बात कर सकती हूँ उससे। क्या करेगी बात करके? ऐसे कि यार ये चीज तो गलत हो गई ना, एकदम से कुछ चीजें नहीं छूट जाती। तुम भी एक गर्ल, मेरे को एकदम से छोड़ दोगे तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे से नहीं झेला जाएगा। थी हर चीज को टाइम लगता है, बॉन्डिंग बनाने को भी। हमारे तुमने उसका नाम मतलब दिल भी लगा है। बोलियो मत, बस बोलियो मत, कट गया। जो कोई चीज गलत हो रही है, सच्ची हो, ये गलत है, ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुमसे मैंने। तो बात ही कर रहा था उसको, बोल देता कि बात नहीं यार, वो बात नहीं है, तुम पहले भी मिल चुके हो उससे, ये चीज सब मेरे को अब बता रहे तभी मैं उस चीज को ठीक है। लेकिन ये चीज छोड़ना वगैरह तुम उस टाइम भी मतलब अभी भी तुम उसका कॉल अटेंड करना चाहते हो। अब क्या करूं मैं, मेरे को तेरे से लगाव नहीं हुआ, मेरे को उससे लगाव है, तो मैं इस पे क्या कर सकता हूँ? मैं तेरे टाइम से पागल थी जो तुम्हारे साथ रह रही। तेरी गलती होगी कुछ ना कुछ। देखो मैं तुम्हारे पीछे रो रो के थक चुकी हूँ, मैं हालतों में मैं और नहीं होना चाहती, ठीक है? तुमको भी पता तुम्हारे लिए मैंने कितने वो चीजें छोड़ रखी है, तुम अगर ये चीज करोगे तो मेरे से नहीं झेला जाएगा। सच्ची में प्यार करते हो तुम उससे? छाती पे टैटू बना के दिखाऊं क्या? मजाक नहीं चल रहा जो तुम हंस रहे हो। देख बस इतना सा है, सिंपल सी चीज है कि मेरे से, मेरे को तेरे से लगाव नहीं हुआ, मेरे को उसी से जो भी है उससे है, मैं अब उसके साथ रहना चाहता हूँ। तुम तो अपनी फीलिंग्स देख रहे हो, मेरी फीलिंग्स क्या हो रहा है? कौन सी फीलिंग्स तेरी? मेरा जो कनेक्शन था तुम्हारे साथ वो। मेरे को तो नहीं दिखा कभी तेरा कनेक्शन। तो इतने टाइम से मैं फालतू में थी ना तुम्हारे साथ। और कुछ भी हुआ था तुम्हारे बीच? अभी मतलब अभी क्या हुआ होगा, बस मिले थे, हग वग हुआ था, बस उसके साथ हग करके वो फील आता है। तो तुम मेरे साथ थे क्यों, आए क्यों थे? मैं तेरे साथ देख रिलेशनशिप में हूँ नहीं, तुझे पता है। तो फिर भी आए क्यों मेरे साथ? मुझे नहीं पता, मुझे बस अब उसके साथ रहना, इतना पता मेरे को। बोलने से नहीं होता जो है यार, मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे झेलूंगी चीज? तेरी हेडेक है। मेरे को परेशानी में मत डालो प्लीज, ये सब चीजें लाके मैं नहीं झेलना चाहती ये सब चीजें। जो है वो है, मैंने तेरे को बता दिया है। रोने से क्या हो जाएगा? क्या करूं फिर मैं? हाँ तुम तो चले जाओगे उसके पास, फिर मेरा क्या होगा? मुझे पता ना मैं तुम्हारे लिए कितना करा है कितना नहीं, जितना किसी के लिए नहीं करा। देख रो मत ना, बात करने के लिए बुलाया मैंने तेरे को। ऐसा होती है क्या, ऐसी चीजें बोलनी चाहिए क्या? छोड़ देना चाहिए था ना तुम्हें। देख मैंने रोने के लिए नहीं बुलाया तेरे को। इस सिचुएशन में अगर तुम होते तो तुम क्या करते? अगर मैं बोलती मैं अपने एक्स के पास रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तो तुझे भी मारता, तेरे एक्स को भी मारता। बड़ा हरामी हो बेटा, मजाक नहीं चल रहा चौको। तुम्हारे पीछे बहुत रो चुके यार, मैं नहीं चाहती बार बार अपने तो खत्म करना मत रो, खत्म कर।
तुम्हारे बोलने से हो जाएगा सब चीज, है ना? क्या चाहती तू? इधर मेरे को दे, क्या चाहती है बता, तू बता ना क्या चाहती है। उसके लिए जो फीलिंग है मैं खत्म कर दूं? ये चीज तुमने पहले क्यों नहीं बताई जब हम आने वाले थे? जो भी था हमारा, जो था हमारा, जिस तरीके से हमने एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करी, तब क्यों नहीं बोली? सैक्रिफाइस करने से पहले बोलनी चाहिए थी ना वो चीजें। तुम्हारी तो चली जाकर भी आ गई, मेरी तो नहीं आएगी ना, वो तो अपनी जगह है। तुम तो सिर्फ अपनी अपनी फीलिंग्स देख रहे हो। अच्छा चल, एक चीज अभय क्लियर कर देगा, ठीक है? अभय को मैंने एक चीज बताई थी, वो क्लियर कर दे। ओए अभय, इधर आइयो। यहीं बैठ जा पीछे, एक बार कॉल करिए मेरे को उसी वाले फोन पे। तुम क्या हो? देख इमोशनल डैमेज। अच्छी ना, देखो इसलिए आज मैं शेविंग करके आया था। ये थी मेरी एक्स। अच्छी चल भाई, क्यों ले रहा है स्वागत? नहीं अभी जा, जल्दी हो जाएगी। और हम तकियों को भी हटा के देख, तकियों को हटा के देखो पहले। ले हमारा छोटा सा के। तुम लोगों को सारा प्रैंक मेरे पे ही करना होता है क्या? लोगों को मजा आता तेरे में देखने के लिए, कि तुम्हारे आंसू नहीं निकल सकते इसलिए। पत्थर का आदमी हूँ, क्या करूं? तू यार मत कर दे, कैसे मत कर। वैसे रिएक्शन दिया करना जैसे दूसरे प्रैंक वाले देते हैं। ओ तुमने मजाक किया मेरे साथ। एक पिज्जा ऑर्डर करी महंगा वाला। मत करना। देख ये है वो लोग जिन्हों ने तेरे आंखों से आंसू निकाला, मैं नहीं हूँ। बात तो तुमने करा है चीजें बोल के, क्या पता सच हो वो सब चीजें। पागल वागल है क्या तू? क्या पागल, तुमने बोली ना चीजें। ये है जिंदा एक्स, लुक एट माय दाढ़ी। दाढ़ी भी नहीं है आज। वो सब नहीं है, तू गलत, वो सब नहीं है, तू गलत सोच रही है। मत कर, मत कर। तो गाइस बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज का। अभी आता हूँ। तो काफी मारपीट के बाद चोर की हालत ऐसी हो गई जिसने मेरे साथ ऐसा प्रैंक करा। बोलना है कुछ? मैं बोलती हूँ। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और देखना चौकों के साथ भी बहुत गंदा वाला प्रैंक होने वाला है, गाली गलौज होगी शायद उसमें, मे बी आई डोंट नो, तब देखा जाएगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। बाय गाइस, बताना कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और ऐसे प्रैंक और चाहिए तो कमेंट मत करना, कुछ नहीं बना रहा ऐसे प्रैंक। लेकिन गाइस मैं बहुत गंदा वाला प्रैंक करूंगी, लेकिन उस पे गालियां बहुत होगी, वो चौको मेरे को देंगे, मेरे को पता है। तो बाय कर दो, नहीं मैं बात कर रही हूँ।